हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे और फ्रेश न्यू वीडियो में दोस्तों। और आज जैसे कि आप जो मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं, इसको अपने इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इस गाड़ी के बारे में आपको बताता चलूं। ये है टोयोटा की तरफ से आने वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर और ये 4x2 मॉडल है दोस्तों। इसका एक और मॉडल आता है 4x4, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बातें करेंगे, चाहे इसकी क्या प्राइसिंग है, क्या इसका स्पेसिफिकेशन है और अंदर का इंटीरियर, बाहर का वॉक अराउंड, सारी चीज़ों को एकदम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एकदम अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फ्रंट के लुक से स्टार्ट करता हूं। आप इसमें देखें, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प है और विथ DRL, जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाता है। आपका इसमें जो फॉग लैम्प है वो भी है दोस्तों LED। और फ्रंट में आपको दो पार्किंग सेंसर मिलता है, एक इस साइड में, एक उस साइड में। और यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग है जो कि कमाल का एकदम लग रहा है। सामने से जो इसका सबसे खास बात है इस गाड़ी का, कि सामने का एकदम लुक जो है इसका एकदम काफ़ी मस्कुलर लुक है, काफ़ी एकदम मतलब भड़काऊ लुक है, देखने में बहुत प्यारा लगता है, एग्रेसिव लुक लगता है। आइए आपको इस साइड में इसका साइड प्रोफाइल की मैं बात करता चलूँ। इसका टायर जो है वो है लगभग 18 इंच का अलॉय व्हील ORVM है दोस्तों, जो कि टर्न इंडिकेटर के साथ में आता है। दोस्तों, इस गाड़ी का हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे साइड स्टेपर भी लगा हुआ है। अगर आप अंदर एंट्री करना चाहें तो यहाँ से साइड स्टेपर से आप जा सकते हैं। और साइड में इसका जो फ्यूल टैंक है दोस्तों, ये लगभग 80 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और चलिए आपको बैक साइड लेके चलते हैं और बैक साइड में दिखाते हैं क्या क्या है खास। तो इसका लाइटिंग देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा डुअल फिनिश में इसका लाइट है, आधा इस साइड में आधा इस साइड में। यहाँ पे आती है लेजेंडर की ब्रांडिंग, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लेजेंडर की ब्रांडिंग है दोस्तों। ब्लैक में यहाँ पे फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है। और सबसे इसका अच्छा लगता है कि स्पॉइलर काफ़ी बड़ा अच्छा स्पॉइलर है। बैक साइड में आपको वाइपर एंड वॉशर मिलता है। तो दोस्तों, बैक साइड में आपको पार्किंग कैमरा भी मिलता है। साइड में आपको यहाँ पे देखिए पांच आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर लगा हुआ है। और जो इसका बूट है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक, यहाँ से अगर आप यहाँ पे एक बटन है आप उसको प्रेस करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। और जो इसका बूट स्पेस है दोस्तों, वो है 296 लीटर का। तो इस सेगमेंट में ये सबसे बड़ा बूट स्पेस लेकर के आती है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस लेकर के आती है। जनरली इस सेगमेंट में इतना बड़ा बूट स्पेस आता नहीं है। और अगर आप इसका जो लास्ट रो है उसको अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो इसका बूट स्पेस और बढ़ जाएगा। चलिए इसको बंद करते हैं। और बंद करने के लिए भी आपको यहाँ पे पुश बटन है, अगर आप इसको ऐसे पुश कर दें तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, खुद से ये बंद हो जाती है, आपको इसके लिए माथामारी नहीं करना है। आप एकदम रिलैक्स हैं और ये खुद से पूरा क्लोज़ हो जाती है। काफ़ी सॉफ्ट क्लोज भी है दोस्तों इसका। और ये एक ओवरऑल इसका साइड व्यू है, आप साइड में देखें आपको कैसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी मस्कुलर गाड़ी है दोस्तों ये। तो दोस्तों, ये है इसका फ्रंट डोर और जैसे ही खोलते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे लुक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डुअल टोन का यहाँ पे लुक प्रोवाइड किया गया है और नीचे में स्पीकर है और ऊपर में ट्विटर है दोस्तों। और इसका जो सीट है वो भी वेंटिलेटेड सीट है और ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को साइड में। ये गाड़ी आती है दोस्तों ऑटोमेटिक, इसमें मैनुअल नहीं आती है दोस्तों। चलते हैं अंदर और यहाँ पे देखिए ग्रैब हैंडल है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी हाइट पे है। साइड स्टेपर पे आप आराम से रख करके और बैठ सकते हैं। अंदर आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है दोस्तों और सीट को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। डिस्प्ले में जो है वो 8 इंच का है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में ये गाड़ी आती है। और काफ़ी अच्छा आपको इसमें फीचर्स वगैरह मिल जाता है, काफ़ी यहाँ पे अच्छा स्पेस है, चार्जिंग का यहाँ पे पोर्ट वगैरह है, वायरलेस चार्जिंग का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है दोस्तों। और ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो नोव है ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो इसके लिए यहाँ पे पार्किंग, रियर ड्राइविंग और बहुत सारे यहाँ पे मोड्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड है। यहाँ पे आपको एक स्टोरेज भी प्रोवाइड किया गया है कि आपके यहाँ पे मोबाइल वगैरह या बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। इस साइड में आपको यहाँ पे कप होल्डर वगैरह भी मिल जाता है। और मैं सबसे खास बात आपको बताता चलूँ इस गाड़ी का,
तो इस गाड़ी में आपको पेडल शिफ्टर मिलता है, जैसे कि आप जान रहे हैं ये गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो जब आप इसको क्रूज कंट्रोल में डालते हैं तो पेडल शिफ्टर प्लस माइनस से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं स्पीड को। और यहाँ पे आप एसी वेंट देख सकते हैं, इस साइड में है, इस साइड में काफ़ी बड़े बड़े एसी वेंट्स हैं। इस गाड़ी में आपको दोस्तों सन रूफ नहीं आता है, किसी भी तरह का मून रूफ सन रूफ इस गाड़ी में नहीं आता है। तो दोस्तों ये गाड़ी आती है 2.8 लीटर फोर सिलेंडर BS6 डीजल इंजन के साथ में, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 201 bhp का, टॉर्क 500 नैनोमीटर का और माइलेज देती है 14.4 किलोमीटर का। ये गाड़ी ऑटोमेटिक गियर के साथ में आती है, चाहे आप 4x2 लें या 4x4 लें दोस्तों। और ये गाड़ी 5-star सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है विथ 7 एयरबैग्स और 7 सीटर ये गाड़ी है दोस्तों। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। इस गाड़ी का वारंटी 3 ईयर का है दोस्तों और 1,00,000 किलोमीटर का, दोनों में से या जो पहले हो जाए, या 3 साल पहले हो जाए या 1,00,000 किलोमीटर पहले हो जाए। तो दोस्तों इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 43,66,000 रुपीज़ दोस्तों। और बाकी आपको ये पूरा गाड़ी आपको कैसा लगा, काफ़ी इंडिया के लिए तो काफ़ी भौकाली गाड़ी है, तो अपना कमेंट्स आप ज़रूर दें कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और किसी भी तरह का कोई भी आपको सुझाव या सलाह हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए आज की छोटी सी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।